कहते हैं कि मैं कुकीज़ वो लोगों को मिटाऊंगा, मैं हमारे मेटे लोगों के लिए लड़ूंगा, ये बोलते रहते हैं। मतलब ये ओपन फैक्ट है। जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह है उसकी जो एक्सपोज्ड जो ऑडियो जो वायरल हुई है उसके बारे में हम आवाज़ उठाने आए। देखो शांति का तो शब्द ही नहीं है क्योंकि हमारे मणिपुर में जिसके आप देख रहे हो, और यही बात छः महीने बोलते बोलते एक साल हो गया, एक साल से ज़्यादा हो गया, आपको लग रहा है कि कोई शांति है क्या? और फिर एक तो उनके मीटिंग में उनके खुद के जो कोई है बंदा उनके मीटिंग में जो था उन्होंने ही लीक की थी, हमने नहीं की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। मणिपुर की अगर बात करें तो 2023 में जिस तरीके से वहाँ जातियों के चलते आपस में लड़ाई झगड़ा और जो वहाँ पर पूरी तरीके से हिंसा देखी गई, इसके बाद से शांति की बात हो रही थी, राजनीति इस पर इतनी गरमाई कि उसके कोई सीमा नहीं थी, हर पार्टी दर पार्टी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही थी। लेकिन सवाल था महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने का। लेकिन इसी बीच अब मणिपुर से आवाज़ उठी है कि वहाँ के जो सीएम है यानी कि भाजपा से जो चयनित वहाँ के सीएम बनाए गए हैं मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीते दिनों से कई वीडियो उनके ऑडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं, ऑडियो में उन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं जिसके बाद से मणिपुर के लोग में गुस्सा है, नाराज़गी है सीएम को लेकर के। और साफ तौर पर अभी आलम वहाँ का ये है कि पूरी तरीके से वहाँ पर दो समुदाय में लोग बटे हुए हैं, पूरी तरीके से हर अधिकारों की बात हो रही है, वो तमाम चीज़ें। मेरे साथ में उन्हीं से कुछ जुड़े इकट्ठा लोगों को मैंने किया हुआ है, इसमें इनकी भाषा अलग है लेकिन इसमें जो हिंदी बोलते हैं हम उनसे बात करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिर जंतर मंतर पर जो इतना बड़ा हुजूम मणिपुर से उठ करके आया है वो क्यों आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नेम सायरा है। शायरा, आप ये बता सकते हैं कि आज आप लोग किस प्रोटेस्ट को लेकर के यहाँ पर आए? ठीक है, आज हम सब यहाँ पर एकजुट होकर इस चीज़ के लिए आए कि पहली बात तो हमारी जो पहले से ही मांग है उसके लिए हम आए हैं यहाँ पर एकजुट होकर। वो है हमारी मांग जो है वो है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, और जो कि कोई नई बात नहीं है और हम लोग पॉडिचेरी के मॉडल की से हम लोग प्रेरित होकर ये हमने आगे हमारी आशा है, ये हमारी रिक्वेस्ट है और आज हम अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। वही जो सबने सुनी है जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह है उसकी जो एक्सपोज्ड जो ऑडियो जो वायरल हुई है उसके बारे में हम आवाज़ उठाने आए और ये क्वेश्चन भी करने आए। ऐसा नहीं लगता है कि जो ऑडियो वायरल हो रही है वो फेक भी हो सकती है? देखो फेक चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि फेक है, मैं नहीं बोल रही, हो सकता है ऐसा लोग कह रहे हैं, उनके पक्ष वाले लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। देखो द वायर की आप अगर आर्टिकल पढ़ोगे तो उधर उन्होंने साफ साफ बोल के रखा है कि उधर के ये जो कंटेंट्स डेट और सब्जेक्ट ऑफ दिस ऑडियो ये इज कंफर्म्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम मेंबर्स ऑफ द पीपल हु आर इन द मीटिंग एंड ऑफकोर्स सिक्योरिटी के थ्रू उनकी हम आइडेंटिटी को आगे नहीं रख सकते, लेकिन ये कन्फर्म्ड है कि उन्होंने जो बोला है ये उनके मुँह से बोला गया है और ये आवाज़ उनकी ही आवाज़ है। ठीक है, मैं एक चीज़ इस पर ऐड करना चाहती हूँ, एक तो ये बीरेन सिंह है ये बार बार भाषाओं में ओपनली खुलकर बोलते रहते हैं कि मैं कुकीज़ वो लोगों को मिटाऊँगा, मैं हमारे मेटे लोगों के लिए लड़ूंगा, ये बोलते रहते हैं। मतलब ये ओपन फैक्ट है, ये बस ये है कि कभी ये सरकार तक नहीं पहुंची, केंद्र सरकार तक नहीं पहुंची, इसलिए लोग अभी सोच रहे हैं कि ये क्या ये फेक है, लेकिन नहीं ये सच है क्योंकि एक तो उनका आवाज़ और फिर एक तो उनके मीटिंग में उनके खुद के जो कोई है बंदा उनके मीटिंग में जो था उन्होंने ही लीक की थी, हमने नहीं की थी। तो मतलब ये भी इससे भी पता चलता है कि खुद मेटे लोग भी जो अंधभक्त नहीं है बीरेन सिंह के, वो भी खुद तंग आ गए बीरेन के इस आप ये कहना चाहती हैं कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो जाति के बतौर बटे हुए हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और ये जो जाति हिंसा शुरू की है उन्होंने हमारे कुकीज़ और आदिवासियों के ऊपर, उन्होंने उस वीडियो में उस लीक वायरल टेप में सीधा लाइक साफ साफ बोल दिया है कि मैं तो बॉम्ब चला रहा हूँ कुकी ऊपर। और ये हमने पिछले साल से हम इसी चीज़ को अपने आवाज़ हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीरेन ने ही शुरू की है। तो क्या मांगे हैं अभी आपको जैसे मेरी दोस्त ने अभी बताया, हमारी अब मांग तो ये है कि हमें यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, हम चाहते हैं कि हमारा खुद का एक अधिकार होए ताकि वी कैन गवर्न आवरसेल्व्स, ताकि हम
अब तो हम बिरेन सरकार के नीचे नहीं रह सकते बिल्कुल भी, हम उनके इलाकों में नहीं जा सकते, वो भी हमारे इलाकों में नहीं आ सकते, तो फिर कब तक ये जो ये सेपरेशन बन गई है इतना मतलब गहराई तक पहुंच गई है कि हम अब ऐसे सरकार जो केंद्र सरकार है बार बार हमें इग्नोर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि अब बहुत हो गया है कि हम खुद के अपने आप को गवर्न कर सकें। आप लोग मणिपुर में अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी हमारी एक और मांग है कि मीतेई जो इलाके हैं घाटी और हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उनके बीच में एक बफर जोन भी क्रिएट हो गया। बफर जोन जहाँ पे असम राइफल्स अभी पोस्टेड है, हमारी सुरक्षा करने के लिए वो लोग खड़े हुए, क्योंकि ये बिरेन के चमचे जो अरंबाई तंगोल और फिर ये जो आतंकवादी ग्रुप्स है, ये सब लोग हमें दिन ब दिन हमें इलाकों में आके हमें अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पर हथियारें चला रहे हैं, बॉम्ब चला रहे हैं, और ये हमेशा करते ही जा रहे हैं, पिछले साल से अभी तक करते ही जा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते भी कि अभी असम राइफल को मत निकाल लीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बफर जोन का मेंटेन करने की जरूरत है। हाल ही में अभी मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का एक इंटरव्यू है, वो वायरल हो रहा है, उसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा क्यों दूं, जबकि मैंने यहाँ पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और मैंने हमेशा शांति बनाने की कोशिश की है मणिपुर में, और 6 महीने के अंदर मैं शांति यहाँ पर बहाल भी कर दूंगा। देखो, शांति का तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे मणिपुर में जिसके आप देख रहे हो, और यही बात 6 महीने की, छः महीने बोलते बोलते 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, आपको लग रहा है कि कोई शांति है क्या? शांति का तो नामो निशान ही हटा दिया उन्होंने, तो अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उन पर कोई भी सरकार या खुद के जो लोग जहाँ पर रहते हैं, चाहे वो मेईतेई कम्युनिटी के भी हो, कोई भी उन पर अब कोई भरोसा नहीं कर सकता। कोई ऐसा है पार्टी का नेता जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, जो वाकई आप लोगों के लिए खड़ा होगा, आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए? तो हम भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और इसी के लिए हम यही अपनी मांग कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कनेक्शन हो वो सीधा सेंट्रल तक हो, ताकि हम लोगों को ऐसी सरकार के नीचे ना झुकना पड़े। क्या लगता है कि क्या वाकई केंद्र सरकार तक आपकी बातें नहीं पहुंच रही हूँ? देखो, हमारी जारी तो हमारी कोशिश तो जारी रहेगी, लेकिन और हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक हमारी आवाज़ उनके कानों तक ना पहुंच जाए, तो इसी की वजह से हम इस यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में सब यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन एक ही चीज़ के लिए खड़े हैं, वो है हमारी भारतीय होने की, जो हमारी जो वो है राइट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम खड़े हैं। और जो हमारे जो भाई बहन जो अभी तक हमारे क्या कहते हैं मणिपुर में जो ऐसे दिन भर रात भर हमारे विलेजेस, हमारे बच्चों को, हमारे जो फैमिलीज़ को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके खातिर हम आज इस मंच पर आए हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने खुद सुना कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं मणिपुर में, और क्या कुछ वहाँ पर सीएम को लेकर के इनकी मांगे हैं, कि किस तरीके से जो वीडियो है वो लगातार उनके जो वायरल होते आ रहे हैं, ऑडियो वायरल होती हुई आ रही है, और यकीनन ये सवाल है महिलाओं की सुरक्षा का, और ये सवाल है उस भारतीय होने का कि क्या वाकई आज भी इनकी बातें केंद्र तक नहीं पहुँच पाएगी। आज खुद अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा मणिपुर के इतने लोग आज जंतर मंतर पर आए हैं, और खुद केंद्र तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के सीएम बिल्कुल भी इन बातों का सुध नहीं ले रहे हैं, और जिस तरीके से उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, खुद इन महिलाओं ने बताया है, इन बच्चों ने बताया है कि किस तरीके से वहां पर जो प्रतिक्रिया और क्रिया चलती आ रही है, और मणिपुर के लिए जो लगातार कहा जाता है शांत हो गया है, लेकिन वहां की जमीनी हकीकत क्या है, ये हम खुद नहीं, ये मणिपुर से आए लोग खुद बता रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए भारत पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ।